आज जो है मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, पूरा धोबी घाट लगा लिया था। तो ये देखो कितने सारे कपड़े हैं, और जैसे जैसे कपड़े सूखते गए थे वैसे वैसे मैं कपड़ों की घड़ी करती चली गई, क्योंकि मुझे पता है मुझे फिर आलस आता है, कपड़े एक साथ इतने सारे घड़ी नहीं होते मेरे पे। तो ये देखो ये कपड़े तो मैं अभी लेके आई हूँ आपके सामने, और इतने सारे कपड़ों की मैंने तय बना दी है। देखो ये सारे तय बने हुए रखे हैं, तो अभी ये है ना थोड़ी गर्म है, तो अभी इनकी तय मैं नहीं बनाऊंगी। और चलिए, तो आई होप आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए अभी इनको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक हम अपना और काम शुरू करते हैं। ये बच्चे भी देखो कहाँ कहाँ अपने सामान को डाल देते हैं। इसमें क्या बज रहा है? यार उसकी टी शर्ट, पता नहीं बच्चे भी कहाँ कहाँ बोल है। तो मैं फ्रिज से दूध निकाल के किचन में ले आई हूँ और गैस पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और साथ ही मैं ले आई हूँ अनार, और बच्चों के लिए फ्रूट्स में है अनार है और बनाना है। ये कल लेके आए थे इसके पापा, क्योंकि बनाना जो है ना बच्चे खा लेते हैं, और ये अनार भी है। तो देखती हूँ पहले, अगर बच्चे बनाना खाएंगे तो बनाना ही दूंगी, और नहीं खाएगा ना आयुष तो अनार दूंगी। तो ये हो गया दूध रेडी, और मैं ले लेती हूँ साथ में बनाना, क्योंकि वैसे भी है ना बनाना दूध के साथ लिए जा सकते हैं, दूध के साथ ही लेते हैं लोग बनाना अधिकतर, क्योंकि क्योंकि मेरे दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा वीक भी हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो थोड़े से हेल्दी हो जाएं। क्योंकि है ना हर कोई लोग, हर कोई जो भी आएगा ना गेस्ट हो या कोई भी हो पड़ोसी वगैरह, सब मुझे बोलते हैं कि तुम तो खा खा के ऐसे मोटी होती जा रहे हो, हस्बैंड वाइफ दोनों अच्छे हो शरीर में, बच्चे इतने कमजोर क्यों कर रखे हैं, इनको कुछ खिलाते नहीं हो गया। तो चलिए मैं बच्चों को दूध और ये देके आती हूँ शौर्य पर आयुष को। आ जाओ, आपको मम्मा बनाना देगी केला। केला खाओगे? आ जाओ। ये लो बेटा, बैग। तो इसको क्यों निकाल रहे भैया के बैग को? तुमने मेरी कमर का दर्द और बढ़ा दिया है बच्चों। ये नहीं 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 आयुष आयुष इधर से नहीं, इधर से नहीं बेटा, दूध गर्म है मम्मा, जल्द आओ यार, इधर आओ। और ये क्या कर रखा है? सारी चीजें नीचे डाल रखी है, ये आप खा लोगे ना, ये लो। शौर्य इसके दूध का ध्यान रखना है ना बेटा, तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, ये लो। और फ्रेंड्स आयुष को मैंने दूध पिला दिया है, और मैं आई थी किचन के बर्तन सेट करने, तो ये लड़का है जो सीटी नहीं बांसुरी बजा रहा है। आयुष बजा के दिखाना, बांसुरी बजाना, ये वही बांसुरी जो हम कोविंद ने भी देखे ना उस दिन लेके आए थे, बजाओ बजाओ। नीचे से तो तोड़ दिया आपने, ये तोड़ दिया उस दिन ऐसे दीवार में मार मार के, इसको बजाओ ऐसे बजाओ, देखो ये ऊपर से भी तोड़ दिया आपने। बनाना के छिलके हैं क्या? लाओ इनको, काऊ खा जाएगी बेटा। फ्रेंड्स आयुष देखो ये केले के छिलके थे ना उनको ले आए, और मैं ऐसी जो छिलके होते ना सब फलों के छिलके हैं, सब्जी के छिलके हैं, उनको हम लोग जो है ना गाय को डाल देते हैं, क्योंकि देखो गाय खा जाती है, ये हमारे तो कोई काम के है नहीं, हम इन कचरे में डाल देते तो उनका भी पेट भर जाता है, बेजुबान जानवरों का। फ्रेंड्स बर्तनों को किचन में सेट करके मैं आ गई हूँ कपड़ों की तय बनाने, और आज बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। देखिए आधे से कपड़ों की तय मैंने बना दी है ना, और अगर मैं पूरे कपड़ों की एक साथ बनाती तय तो मुझे कम से कम 1.5-2 घंटा लग जाता। तो अब इन कपड़ों की मैं तय बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स सारे कपड़ों की तय बन गई है, और ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं, इनके सबकी तय बन चुकी है। तो मैं इन कपड़ों को जो है सेट कर देती हूँ अलमारी में। तो सबसे पहले मैं कर देती हूँ इनको सेट, देखो बच्चे है ना सो के गए हैं उठ के, तो ऐसे कैसे
छोड़ जाते हैं। और हमारे जो है ना शौर्य है ना, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, उसी की वजह से मेरे इतनी ज्यादा जुकाम हो गई है। एक तो कुछ पता नहीं मेरा मौसम चेंज हो रहा है, ये बहुत ज्यादा उस वजह से हो रहा है, पता नहीं किससे हो रहा है। एलर्जी का जैसा हो जाता है, मैं पहले भी बीच में बहुत परेशान रही थी एक दो महीने इस जुकाम से। पिछली बार भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, जब गर्मियाँ स्टार्ट हुई थी ना तब भी मेरे ऐसे ही हुआ था। और शौर्य को लगती है गर्मी बहुत ज्यादा। और एक बेल्ट ना मेरी, इसको मुझे समझ में नहीं आता इसको रखो कहाँ, इसको रखने वाली जगह मेरे समझ में नहीं आती। मैं इसको बैठ के सिरहाने पे रख देती हूँ, जिससे कभी भी मुझे लगाने हो। और अब मुझे लग रहा है ना, क्योंकि जब मैंने ये आस लगाई थी ना, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला ये पूरा इतना पसीने में हो गया था, बिल्कुल गीला। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा मैं इसको लगाऊंगी कैसे। सिपर वगैरह सारी सब चीज़ों को बच्चे यहीं डाल देते हैं। और कोई आ जाए ना, अगर गेस्ट आप बताइए, अगर गेस्ट कोई आ जाए ना तो वो क्या कहेगा कि पता नहीं ये लोग ऐसे रहते हैं। ये भी देख, ये कोई नहीं सोचेगा कि जो लेडीज़ होती है ना वो तो हमेशा घर को मेंटेन करके ही रखती हैं, और ये बच्चे होते हैं ना ये बार बार, ये देखो कैसे कर रखे हैं सारे सोफे के काम। और ये तो क्या अभी सो के उठे थे, तब मैंने बीच में भी कर दी थी, ये तो पता नहीं कितनी बार मुझे सही करने पड़ते हैं। सोफ़े के कवर ठीक करने के बाद मैं लगा रही हूँ झाड़ू, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी तो आज नहीं है, क्योंकि आज मैंने एक बार दोपहर में भी लगा दी थी, पर फिर भी बच्चों ने जो स्कूल के पंपलेट वगैरह आए थे ना वो सारे फैला दिए हैं, फाड़ दिए हैं, और थोड़ी बहुत गंदगी हो ही जाती है। खाना वाना खाते हैं बच्चे तो थोड़ा बहुत फैला देते हैं, पर वैसे आज जो है उतनी गंदगी नहीं थी। तो यहाँ पे जो है बच्चे खेल रहे हैं बाहर थोड़ा सा, क्योंकि जो है थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। आ गई हूँ और ये है दाल और चावल, आज दाल चावल बनाएंगे। हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया, दो चम्मच नमक, और चावल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक, ये मैं इसी बाउल से डालूंगी क्योंकि मैंने एक बाउल चावल लिए हैं। इसमें एक चीज़ सीक्रेट डालूंगी, थोड़ा सा घी, देसी घी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दाल और चावल रख दिए हैं। आज जो है दाल चावल और चपाती यही खाएंगे, सादा सा खाना। तो मैं लगा लेती हूँ आटा। ये देखो खेल, देखो आप मेरे बच्चे के आयुष, इसको मत लगाओ बेटा। आटा हमारा लग चुका है ना, और बीच में जो मैं कुछ और काम में लगी थी तो मैंने गैस भी बंद कर दी है, दाल और चावल दोनों बन गए हैं। मतलब मैंने जो है आटा लगा के लगा दिया, ये मैं रख देती हूँ है ना, और अपने हाथों को साफ कर देती हूँ आटे को। और यहाँ फ्रेंड्स मैंने बना ली है चपातियाँ। तो देखो आज ये सिंपल सा ही खाना है, दाल है, चावल है और चपाती है। मैं कह रही थी ना सिंपल सा ही तड़का लगाऊंगी, तो वही मैंने खड़ी लाल मिर्च जो होती है उसी से तड़का लगाया है। तो चलिए आप सब भी आ जाइए, खाना खाइए। कौन सा कलर है ये? पिंक। पिंक ये मम्मा, आप बोलो बाबा, बोलो नानी, बोलो नानी, नानी बोलो नानी,
पापा नानी, नानी पापा बोलते हैं क्या? नानी बोलो नानी, मामा बोलो मामा, मामा बोल दो मामा, बुआ बुआ बोलो, दीदी पापा, जीजी बोलो जीजी पापा। ये लड़का बस पापा पापा पापा, देखो सही बात है, इनको खिलाए पिलाए सुलाए नहलाए धुलाए, इनकी पॉटी साफ करें, हाँ सारा काम करें इनकी माँ, और प्यार पापा से। ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। और अब मैं थोड़ी देर बैठूंगी क्योंकि मेरे बैग में लग गया दर्द लगातार काम करते करते। आयुष मम्मा का सिर दबा दो यार, ऐसे ऐसे दबा दो, ऐसे मम्मा की ताता हो रही है यहाँ पे, ताता हो रही है मम्मा की यहाँ पे हो रही है, यहाँ दबा दो। फ्रेंड्स आयुष जो है बहुत जिद कर रहा है दूध की, और ऐसे मैंने जो है आयुष को बोतल नहीं लगाई, शौर्य को मैंने बोतल लगाई थी, मुझे पता ही नहीं चला कि शौर्य कब बड़ा हो गया, मतलब उसने परेशान किया नहीं, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता था ना कि वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो मैं उसको बोतल लगा देती थी, और वो ईजिली मतलब उसका पेट भर जाता था, वो सो जाता था, और ये बहुत जिद कर रहा है। और परेशानी ये है कि है ना, अब ये मुझे परेशान कर रहा है क्योंकि ये मेरे से फीडिंग करता है और मैं ग्लास से इसको दूध पिलाती हूँ तो बहुत कम पीता है। आई एक मिनट जो अभी बात कर रहे हैं ना, देखो बात कर रहे हैं मम्मा, मम्मा भी बात कर रही है ना, तो और भी है ना उससे ये दिक्कत, ये अच्छा रहा कि बोतल नहीं लगाई इसको मैंने, तो क्योंकि बोतल छुड़ाने में बहुत, बोतल लगाना जितना आसान है ना, बोतल को छुड़ाना उतना ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से छूटती है। और पर ये दिक्कत अब मेरे साथ हो गई कि ये ना हर कहीं पे भी मेरे से बोल देता है दे दो दे 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 दे, तो इसको कहाँ दें। आप देखो हर जगह आप बच्चे को फीडिंग नहीं करा सकते, और हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा है कि हम लोग बाहर जाते हैं तो अधिकतर साड़ी ही रहती है हमारी, तो हम लोग इसको कैसे फीडिंग कराएं साड़ी में बाहर जाने में, और फिर ये रात में इतना परेशान करता है, इतना परेशान करता है, मुझे सोने ही नहीं देता। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलिए मैं इसको जो है थोड़ा सा फीलिंग करा देती हूँ, फिर मिलती हूँ कल एक नए ब्लॉग में, तकलीफा बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फैमिली का भी ध्यान रखिएगा, नमस्कार।